अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीनत खाना खजाना। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा और चटाखेदार आलू की चाट, जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें 4 उबले हुए मीडियम साइज के आलू डाल देंगे। आलू को हमने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है, तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो बिना फ्राई किए हुए आलू से भी आलू की चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से आलू को फ्राई करके आलू चाट बनाएंगे तो बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, हमने इसे फ्राई कर लिया है, तो अभी हम इसे निकाल कर एक टिशू पेपर पर रख लेंगे, जिससे सारे तेल अच्छे से टिशू पेपर में ही ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर एक चटपटा सा मसाला बना कर रख लेंगे। तो हम यहाँ पर एक बोल में 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक लेंगे और 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर लेंगे। जीरे का पाउडर हमें थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून और ले लिया है, और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे, और 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही चटपटा सा मसाला बनकर तैयार है। तो हमने आलू को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था, तो इसके ऊपर हम सारा चटपटा मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा मसाला हमें बचा लेना है, ऊपर से गार्निश के टाइम में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर आधा नींबू का रस निचोड़ लेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आइए अब हम आलू चाट को खाने के लिए सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे से बाउल में आलू को इस तरह से निकाल लिया है, तो अब हम इसके ऊपर से दही डाल देंगे। दही में हमने 1 टेबल स्पून शक्कर डालकर अच्छे से फेंट लिया था। अब हम इसके ऊपर से हरी चटनी डाल देंगे, और इसी के साथ हम इसके ऊपर से थोड़ा सा इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे। आप यहाँ पर सारी चीज़ों को अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको चटनी पसंद हो और जितना आपको दही पसंद हो। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, और इसके ऊपर से हम थोड़ा से अनार के दाना से इसे गार्निश कर लेते हैं, ये ऑप्शनल है। और अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा सेव भुजिया डाल देंगे। सेव भुजिया आलू चाट में बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूर से डालिएगा। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा कटे हुए पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता डाल देंगे। फिर से हम इसके ऊपर से दही और हरी चटनी वगैरह डालेंगे। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके और डाल देते हैं। इमली की खट्टी मीठी की चटनी की रेसिपी और हरी चटनी की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हमने जो मसाला बचा कर रखा था इसके ऊपर से हम थोड़ा सा डाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही चटपटा और चटाखेदार सिर्फ 5 मिनट में आलू चाट बनकर तैयार हुआ है। जब भी आपको अचानक से कुछ चटपटा खाने का मन हो या आपका मुंह फीका लग रहा हो, तो इस आलू चाट की रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से चटपटादार आलू की चाट बनकर तैयार होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी ज़रूर से लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।